भाई एक बंदा मिला, ब्रो वेयर आर यू फ्रॉम? दक्षिण कोरिया से हूँ। अरे हिंदी आती है? अरे तो हिंदी बात करो यार। ऑफ कोर्स या फिर मिलेंगे। हमारे बीच में मांगनियार संगीत के उस्ताद अनवर खान जी आ गए, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। प्रोग्राम तो जैसा भी हो, यहाँ पे ना दाल बाटी चूरमा मिलेगा अभी, क्योंकि राजस्थान का प्रोग्राम है। पकड़ पकड़। गाइस गर्मी बहुत है, शिकंजी ले लिया। इधर पूरी पुलिस है और हर जगह पुलिस ही पुलिस है। देखो गाइस कुछ मैटर हुआ है, अभी उठा के भी ले गए हैं बहुत से लोग, और पुलिस और सीआरपीएफ के कितने कमांडोज हैं। ये देखो एचआर की जितनी गाड़ियां हैं ना, जो भी लग रही हैं, उन्हें रोक के पूछताछ की जा रही है वीडियो बना के। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज तारीख है 19 सितंबर, और ये मेरा आज ही का दूसरा व्लॉग है। पहला व्लॉग है, मैं रामजस आया था, यहाँ पे मैंने आपको पॉलिटिक्स दिखाई, डूसू की पॉलिटिक्स, किस लेवल की लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या क्या चल रहा है, पिछला व्लॉग जाके जरूर देखना। आज राजस्थान का प्रोग्राम है कॉलेज में, अपने ऋषि भाई राजस्थान के हैं, तो ये मुझे खंभागणी मतलब नमस्ते। अब फिलहाल ना यहाँ पीछे कॉम्प्लेक्स में प्रोग्राम है, अब देखते हैं 3 बजे। अरे टाइम 6 बज रहा है, रुको 6 नहीं बज रहे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम दिखाइए, मेरी घड़ी में गलत टाइम चल रहा है। 3:36। ये देखो टाइम हो रहा है 3:26। तो जैसे प्रोग्राम शुरू होता है, आपको आज का प्रोग्राम दिखाता हूँ। राजस्थान का प्रोग्राम है बहुत अच्छा। ये हॉस्टल है बच्चों का जो यहाँ पे रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल ये है, बॉयज़ हॉस्टल इधर ही कहीं है आसपास। अब चलते हैं जहाँ राजस्थान का प्रोग्राम क्या है, अंदर अंदर से चलते हैं। आओ राजस्थान का प्रोग्राम चल रहा है वो दिखाता हूँ आपको। एक और मिल गया हमें हमारे पीजी का कुलविंदर, ये भी रामजस का ही है। तो कैसा चल रहा है माहौल, क्या है, किसके सपोर्टर है अपने? अभी बाहर सुन, बाहर लड़ाई देखी जीवन तोड़ दी सारी भाई। अभी दो मतलब ABBP और NSUI में लड़ाई हुई, एक बंदा 2 जीवैगन लेके आता है कन्वेंसिंग करने, सारी जीवैगन तोड़ दी उसकी, करीब मतलब 3-4 करोड़ की। तो यहाँ प्रोग्राम है राजस्थान वाला, अब मेरे को पता नहीं है क्या है, जो भी है मतलब सिंगर आ रहे हैं राजस्थान वाले, और मतलब बढ़िया माहौल होने वाला है। इस समय देखो ऐसी कुछ भीड़ है, कुर्सियाँ लग रही हैं लेकिन ओपन में है, गर्मी बहुत है। और ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रामजस का, ऋषि लेके जा रहे हैं अंदर जिम दिखाने। ये जिम चलना भाई थोड़ा सा, या फुल्ली एसी। और मेरे ख्याल इस वक्त गर्ल्स टाइम है, गर्ल्स टाइम है ना, इस वक्त गर्ल्स टाइम चल रहा है, तो मतलब सही है यार, कॉलेज में ही जिम है और रामजस वाली जा सकते हैं सिर्फ, बढ़िया एसी एसी लग रहा है, चिल हो रखा है। इतनी ओपन में बच्चे छाया में बैठे हुए हैं, हम भी बैठते हैं यहीं कहीं। गाइस प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो पीजी के 2 लड़के और बुला लिए हैं, एक तो रुद्रपुर से आ गया रैंडम पीजी में, तो दोस्त बन गया मेरा, जूनियर है मेरा, और एक और आ गया ये बिलाल सईद और रजत। हाँ भाई बिल्लू, इसका वैसे नाम समर्पित कालरा, लेकिन शक्ल इसकी बिलाल सईद से मिलती है, जो सिंगर है हमारे। तो इनका नाम बिलाल सईद है। बिलाल सईद या सदीद? सईद नहीं, सईद, SAEED सिंगर है, बहुत बहुत बढ़िया पंजाबी सिंगर है। हाँ सॉरी मैं यार, यह है तो बिलाल सईद। हाँ भाई कैसा लग रहा है कॉलेज? ये सत्यवती का है वैसे, इस समय तो तू लेट हो गया, थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया माहौल था, कन्वेंशन हो रही थी बढ़िया। 2 दिन अपने कॉलेज आया हूँ और 2 दिन रामजस आया हूँ ऋषि के साथ। ऐसा ही, और बताओ, मैं दिल्ली रहते हुए 2 सालों में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार आया हूँ रामजस, बाकी ड्यू के किसी कॉलेज नहीं गया। अब बस प्रोग्राम शुरू होने वाला, नाचेगा ना? ओ सॉरी नाचेगी नहीं, चल ठीक है। यही एक एसी वाली जगह थी जहाँ हम बैठे थे, अब बंद हो गया, गर्मी हो रही बाहर बहुत ज़्यादा। 2 लौंडे आए हैं साथ में, मैंने कहा यहीं बिठा देंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये रैन तो छोड़, कोई बैक स्टेज का गेट, हाँ कोई बात नहीं बंद कर दे, खुला है बैक स्टेज जा सकते। अरे रैन ना बैक स्टेज क्या करेगा, चलो यार आराम से एसी में बैठते, चिल्ड रखा था एकदम। चलो फिर आओ यार, क्या करना है देखते हैं, बैठे सामने, चलो ग्राउंड में बैठते हैं। अभी यहाँ बैठे थे, यहाँ तो बहुत गर्मी थी, तो सोचा क्लासों में चल के बैठते हैं बिल्कुल पंखों के नीचे। तो ये जगह है बिल्कुल रामजस के थोड़ा बाहर का एरिया, बच्चों
इस यहाँ प्रोग्राम है, वो लगी हैं चेयर्स वहाँ पे आएंगे। और ये देखो छाया में खड़े हुए हैं सारे धूप सेट के। खाना भी होगा भैया, खाना भी है और क्या, देख भूखे लगाया है सबके लिए भाई। नहीं यार सबके लिए थोड़ी होगा, कितने बच्चों को पूरा कर लेंगे। बिल्लो बग्गे बिल्ले वो तो तू बताना, बिल्लो तू है, ओ बल्लो तू, बल्लू है तू। गाइस बढ़िया धूप हो रही है, फोटो अच्छी आएगी यहाँ पे। ये पीछे है कैंपस, क्यों है चलो सेल्फी। देखो गाने शुरू हो गए हैं, गाइस नीचे जितने पेपर पड़े थे ना, जो पैरों में ऐसा लग रहा था जमीनी पेपरों की है, वो रोज साफ होते हैं भैया, यार रोज साफ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बुरा हाल है। फोर जाने अपने देखो लिफ्ट में आ गए, इसके अंदर यहाँ पे डाल रखे हैं, ये देखो हर जगह, ये देखो क्या हाल है। और लिफ्ट का हाल चेक करो आप लोगों, ये देखो लिफ्ट लग रहा है कहीं से लिफ्ट है, ऐसा नहीं लग रहा है पब्लिक टॉयलेट में आ गए हो गंदी रेलवे स्टेशन की, उससे भी बुरी हाल है इसकी। और रामजस की लिफ्ट है ये, चलने में इतनी बढ़िया। भाई एक बंदा मिला, ब्रो वेयर आर यू फ्रॉम? दक्षिण कोरिया से हूँ। अरे हिंदी आती है? अरे तो हिंदी बात करो यार। आप प्लीज प्लीज सॉरी आई एम लेट। हां चल जल्दी चलो, प्रोग्राम इज नॉट स्टार्टेड येट। भाई हमें कह रहा है राजस्थान वाला प्रोग्राम का है, हमने कहा साथ ही चलो। बट इट्स नॉट स्टार्टेड येट, इट विल टेक लाइक हाफ एन आवर। ओह नाइस ब्रो, ब्रो डू यू नो किम जोंग? He's from North Korea. I hate this guy. He's from North Korea, na? मैं दक्षिण कोरिया से हूँ। आप साउथ कोरिया नहीं है? आप साउथ से हो ना? Yeah, yeah. And he's from North Korea. Yes, yes. Okay. I hate this guy. Okay. Everyone hate him. इसे हिंदी आ रही है, हम इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं फिर? आती ना हिंदी? हिंदी आती है ना? Little bit. I know. चलो कोई नहीं, भाई को लेके चलते हैं अब। Naomi, what's your name? By the way. मेरा नाम ह्योजिन है। क्या नाम है? फील मिलेंगे। वेरी हॉट हां, या या इट्स वेरी हॉट ब्रो, आउट ऑफ फील मिलेंगे। ओके ब्रो बाय बाय। गाइस भीड़ लगना तो शुरू हो गई। वहाँ प्रोग्राम चल रहा है लेकिन ना धूप बहुत है, तो ये जो एरिया है ना, ये ग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल छाया है, और सामने बढ़िया वॉलीबॉल का गेम खेल रहे हैं, तो बढ़िया एंटरटेन हो रहा है हमारा वहाँ से। अच्छा यहाँ देख के एंटरटेनमेंट हो रही है। अब देखते हैं कितने देर में शुरू होगा, सिंगर तो आए नहीं, अभी सिर्फ गाने बज रहे हैं उनके। देखो काफ़ी भीड़ है, तो अपने तो यहीं बैठे हैं, आगे नहीं जाएंगे, धूप बहुत है, यहीं बैठ के आराम से देखते हैं प्रोग्राम। हमारे बीच में मांगनियार संगीत के उस्ताद अनवर खान जी आ गए, एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। ताली की गुंजार से राष्ट्रीय स्तर के नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगीत के। गाइस ये देखो पंखा ऑन है, मोटर आवाज कर रही है लेकिन घूम नहीं रहा है, ही नहीं ब्लेड। अरे प्रोग्राम तो जैसा भी हो, यहाँ पे ना दाल बाटी चूरमा मिलेगा अभी, क्योंकि राजस्थान का प्रोग्राम है, और पीछे बन रहा है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, तो वो खाने को मिलेगा बिल्कुल ऑथेंटिक। अगर ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल अगर ऑथेंटिक हुआ तो, मैंने पहले खाया एक दो बार लेकिन मैं टेस्ट भूल चुका हूँ, तो बहुत मज़ेदार रहेगा सीन। अभी तो फिलहाल ऐसे ही थोड़ा सा डांस डूंस चल रहा है, कुछ शुरू नहीं हुआ है। और हाँ अभी बैठे सिंगर्स बैठे थे, थोड़ा सा गाया, फिर पता नहीं कहाँ चले गए, अभी फिर से आएंगे। गाइस मौसम तो बहुत प्यारा हो गया, लेकिन धीरे धीरे ना भीड़ बढ़ती जा रही है, अब बस वेट है दाल बाटी चूरमा का। ये तो बोरिंग लग रहा है अब। हाँ आजा आजा, अब बस दाल बाटी चूरमे का वेट है, जैसे ही लगेगा खाएंगे बढ़िया। देखो भीड़ पूरे ग्राउंड में बैठने लग गए, पहले कुर्सियाँ थी आगे। सुशांत धनखड़ शायद अभी हम सब लोगों के बीच में नहीं है, ये मेरा पहला नंबर भी आज है।
दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि अभी आपके बीच में बहुत सारे जिले चलाएंगे। अब फाइनली 8 बजे नहीं 7 बजे अब आए हैं गाने। अब कोई स्पीच बाजी नहीं होगी। देखो ये बाटी बन रही है और ये पड़ी है बाटी, देखो घी में डूबी हुई दाल बाटी चूरमा की तैयारी कोयलों पे है। ऋषि हाँ, खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। और क्या, ये बाटी देखो घी से लोट पोट गीली गीली चूरमा बंदा खत्म। भारी दाल बाटी चूरमा, भीड़ देखो कैसे आ रही है। अभी दाल बाटी चूरमा आई भी नहीं है और भीड़ चेक करो किस लेवल की भीड़ लग गई है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता हमें आज मौका मिलेगा। वो देखो इधर बॉयज का है, इधर गर्ल्स का है, वो देखो लाइनें और प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। भाई मैं तो यही कह रहा हूँ ऐसे घर चल रहे हैं, घर जाके खाना खा लेंगे। आधा पौना घंटा लाइन में खड़े होने के बाद जाके दाल बाटी चूरमा मिला, लेकिन ये पता नहीं समझ नहीं आ रहा दाल नहीं है ये कड़ी है मेरे ख्याल, पता नहीं क्या है जो भी है। और भीड़ बहुत लंबी लंबी लाइन में लगी है। ये देखो अब आगे निकलते हैं घर की तरफ। इस 1 बजे का आया हुआ मैं, 9 बजने वाले हैं, 8 घंटे हो गए हैं मुझे यहाँ पे। भाई जैसा भी प्रोग्राम था कुल मिला के मज़ा आया। ABBP ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था राजस्थान वाले बच्चों के लिए, मतलब सब जा सकते थे लेकिन राजस्थान का ऑर्गेनाइज़ करवाया था तो राजस्थान का सिंगर बुलाया गया था। सिंगर के आने की टाइमिंग 3 बजे थी लेकिन सिंगर आया 8 बजे, क्योंकि तब तक ABBP अपना प्रचार कर रही थी, मतलब स्टेज पे जाके नारे लगा रहे थे ABBP के और भी बहुत कुछ। तो जैसा भी रहा बहुत मज़ा आया, दाल बाटी चूरमा खाने को मिला और भी मतलब एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया। तो होप करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक जोर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सब्सक्राइब जोर से कर देना, आप लोगों के लिए वो बिल्कुल फ्री है लेकिन मेरा वो दिन बना देता है। ऐसे लाल बटन को दबा के ग्रे कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और व्लॉग में, टिल देन बाय, जय हिंद। Thank you.